हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन करमानम। मुझे बहुत टाइम हो गया था, वीडियो अपडेट नहीं की थी, अपलोड बिल्कुल भी नहीं करी थी मैंने, बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और उसके बाद बस टाइम ही नहीं मिला। लेकिन हाँ, आज हम आए हैं प्लांटर्स के साथ। और प्लांटर्स आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, डेकोरेशन पर्पज़ से भी लगा लो या प्लांट की ग्रोथ के लिए लगा लो। और कोशिश यही करते हैं कि नेचुरल और क्ले से बने प्लांटर्स यूज़ करें। हाँ, मैंने कुछ एक प्लास्टिक के टब वगैरह लगाए हैं यहाँ पर, लेकिन वो सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि किचन की जो वेस्टेज है वो इसको मैं इसके अंदर खाद वगैरह बनाने का करती हूँ। और ऊपर भी मैंने एक दो प्लांट्स लगा रखे हैं, जो एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं वो मैं ऊपर इसमें वैसे लगा देती हूँ। अभी तो कोई दिक्कत नहीं आई है, बहुत अच्छे से चल रहा है, खाद भी बन जाती है और प्लांट्स भी अच्छे से जो है इसके अंदर ग्रोथ कर पाते हैं। अभी हम बात करते हैं प्लांटर्स की। तो प्लांटर सबसे बढ़िया कौन सा होता है? जनरली हम क्या करते हैं कि प्लास्टिक के प्लांटर्स ले आते हैं, लेकिन प्लास्टिक के प्लांटर्स आपको पता है कि भारत का टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता है, नियर अबाउट 50। और 50 में आपको पता ही है कि नॉर्मली जो मिट्टी ही इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है तो प्लास्टिक तो होना ही होना होता है, जिसके अंदर प्लांट को मेरे ख्याल से बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ती होगी क्योंकि गर्म मिट्टी है। मैंने एक बार हाथ वैसे लगा के देखा था किसी प्लांट में, तो यकीन मानिएगा बहुत ही गर्म सॉइल। और उस गर्म सॉइल में मुझे इतना फील हुआ कि मुझे यूँ लगा कि प्लांट बेचारा कैसे सर्वाइव कर पा रहा है। तो मैंने जो है लोकल नर्सरी से ये दो प्लांटर लिए हैं। ये प्लांटर मुझे पड़े हैं 250 का एक, और इससे छोटा साइज़ भी था, लेकिन मुझे लगा कि पोथोस हैं तो फिर वो फैलने के लिए अच्छा खासा एरिया उनको चाहिएगा, तो इस करके जो है ये भरा भरा सा बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अंदर हमने नॉर्मली जो है गार्डन सोइल, सैंड, कोकोपीट और क्या कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, इन सारी चीज़ों को जो है प्रॉपर मिक्स आउट करके और इसके अंदर लगाया है। और जैसे कि मनी प्लांट है, मनी प्लांट के अंदर ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह किसी और चीज़ की तो ज़रूरत होती नहीं है, तो नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद से प्लांट्स जो हैं बहुत अच्छे से चलते हैं। और इसके अंदर जो है नॉर्मली वाटरिंग की अगर हम बात करें तो लीफ और साथ के साथ जो है स्टेम, इन पे वाटरिंग की बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम ये करते हैं तो इससे जो है ये तुरंत उस चीज़ को ग्रास्प कर लेते हैं और अपने अंदर जो है समाहित कर लेते हैं और बहुत अच्छे से जो है इनकी ग्रोथ होती रहती है। और ये प्लांटर ऐसा है कि जिस जो पानी को स्टोर करके नहीं रखता, ज़्यादा पानी हो जाता है तो उसको जो है निकाल देता है, और प्लस जो हमारी सॉइल है उसके अंदर मॉइस्चर बना रहता है। और ये मुझे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, एक दो आपने यहाँ पे प्लास्टिक के गमले देखे होंगे, ये जो है शोरूम पे रखे थे तो मैं वहाँ से उठा के लेके आई थी। आई होप आपको जो है ये बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अदर प्लांट्स के बारे में या और प्लांटर्स के बारे में या इंटीरियर या आउटर डेकोरेशन के बारे में अगर आपको कुछ भी क्वेरी है या कोई भी और आप जो है जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ आप लाइक बटन, और अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक, तो कुछ भी हो आप अपनी जो है लाइक और डिसलाइक अगर आप बताते रहेंगे तो हमें भी ये पता चलेगा कि हम कितना आगे तक जा रहे हैं और कितनी जो है इसके अंदर कमियां हैं। अदर प्लांट्स के बारे में भी जानने के लिए जो है आप इस पे जो है आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र्स की, जो है अदर प्लांट्स की ग्रोथ की, अगर कोई प्लांट्स जो है डेड फॉर्म में आ जाता है तो हम उसको कैसे जो है दोबारा बचा सकते हैं। तो अगर आपको जो है आगे की कोई भी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ आप जो है इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।